दोस्तों, कई लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि नींबू के पौधे में जो है फल नहीं आ रहे हैं, ये फूल आ रहे हैं लेकिन फल में कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं। क्योंकि इसका एक ही कारण रहता है जो मैं आपको बताऊंगा कि इसमें जो मेन कारण जो रहता है, अगर आपका नींबू का पौधा अगर गमले में लगा है तो पूरे दिन की धूप उसको ज़रूरी चाहिए, क्योंकि ये फल वाला पौधा है। फल वाले पौधे को अगर पूरे दिन की धूप ना मिले तो इसमें नींबू आप फल वगैरह नहीं ले सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि नींबू के पौधे में जो है अच्छी क्वालिटी में जो फल है वो कैसे लेते हैं, उसकी मैं पूरी डिटेल आपको बताऊंगा। कई लोग क्वेश्चन करते हैं कि फूल तो बनते हैं लेकिन जो है फूल झड़ जाते हैं। फूल झड़ने का मेन कारण एक ये रहता है कि आप जो है पौधे में जो है पानी की जो मात्रा है वो बहुत कम करें, क्योंकि अगर पानी ज़्यादा होगा तो इसमें जो फूल है फूल खिलने से पहले ही झड़ जाएगा और वो फल में कन्वर्ट नहीं होगा। ये देखिए मेरे नींबू के पौधे में, देखिए नई नई जो ये आ रहे के फल आ रहे के देखिए छोटे, और इसमें नई नई जो ग्रोथ जो हो रही थी वो जो मैं इसकी केयर करता हूँ वो उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। तो अगर आप उस तरीके से केयर करेंगे तो आप भी अपने नींबू के पौधे में अच्छी मात्रा में फल ले सकेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो लोग नए जुड़े हैं इस चैनल में वो सब्सक्राइब कर लें, आगे शेयर भी करें वीडियो को और लाइक ज़रूर करें। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे मैं अगर आप लोग कई लोग जो हैं नींबू के पौधा अगर नर्सरी से लाते हैं तो ये समय जो है उपयुक्त है नींबू के पौधे के लिए, बेस्ट टाइम है नींबू का। अगर आप केयर करेंगे तो आप अच्छी मात्रा में इसमें फल ले सकेंगे। अगर इसकी केयर कैसे करनी है वो मैं आपको बताऊंगा, इसमें कौन कौन सी खाद देनी है, आप नर्सरी से लाएंगे तो उसमें किस मिट्टी में लगाना है, कैसी मिट्टी होनी चाहिए और किस जगह पर रखना है। और अगर आप ज़मीन में लगाते हैं तो ज़मीन में तो कहीं पर को भी लगा दिए जहाँ पर को धूप आ रही है, और अगर आप गमले वगैरह या किसी पॉट में लगाते हैं तो आप ऐसी जगह पर रखिए जहाँ पूरे दिन की धूप मिले उसको। तो आप इससे सबसे पहले तो इसमें जो मिट्टी है, मिट्टी ऐसी रहनी चाहिए बिल्कुल भुरभुरी, जिससे कि पौधा जो है इसमें अच्छी ग्रोथ कर सके। इसमें अगर जड़ें अच्छी होंगी तो पौधा भी अच्छी ग्रोथ करेगा। ये देखिए मिट्टी मेरी जो है, इसमें खाद की मात्रा देखिए कितनी बढ़िया है। ये फल वाले पौधे हैं, इनको खाद अच्छी मिले तो ये इसमें फल अच्छे आते हैं और फलों का साइज़ भी अच्छा रहता है। सबसे पहले जो इसकी मिट्टी तैयार करते हैं उसके लिए आपको चाहिए राइस हस्क। राइस हस्क आपको कहीं भी चक्की वगैरह में मिल जाएगा। राइस हस्क इसलिए लेते हैं क्योंकि इससे जो है मिट्टी जो है बढ़िया बनती है, भुरभुरी मिट्टी बनती है, जिससे कि इसमें पौधे की जो जड़ें हैं उसमें अच्छे से फैल सके। इसमें आपको करीब 20% जो है राइस हस्क चाहिए, 40% गार्डन सॉइल चाहिए और 30% जो है इसमें गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट वगैरह चाहिए। आप गोबर की खाद भी यूज कर सकते हैं या घर में बनाई लीव कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट कोई भी यूज करें, लेकिन खाद ज़रूरी है, ये यूज करना ज़रूरी है इसमें, जिससे कि इसमें न्यूट्रिशंस मिट्टी में बन जाए। आप इन सब चीज़ों को मिलाकर इसमें थोड़ी सी अगर नीम खली मिलती है आपको वो भी मिला सकते हैं, जिससे कि फंगस ना लगे इसमें। ये सब चीज़ मिलाकर आप इसमें इसकी मिट्टी तैयार करिए और उसमें पौधा लगाइए। और अगर आपका पौधा जैसे पॉट में लगा हुआ है और उसमें फल नहीं बन रहे हैं तो उसका मैं आपको बताता हूँ उसका रीज़न क्या है। उसका रीज़न एक मेन यही है, उसमें आप पानी की मात्रा कम करें और जो मिट्टी है उसको जब भी इसमें आप इस समय जब आप इस पौधे में अगर कोई खाद दे रहे हैं तो किस तरीके से देनी है मैं बताऊंगा आपको। देखो सबसे पहले जो ऊपर की करीब 1 इंच की मिट्टी की गुड़ाई अच्छे से कर देंगे। ये ऊपर की जड़ें दिख रही हैं आपको, ये जड़ें दोबारा बन जाएंगी, इसकी आप अच्छे से गुड़ाई कर दीजिए। ये देखिए इसकी अच्छे से गुड़ाई कर दीजिए, करीब 1 इंच की गुड़ाई करना है, ज़्यादा गहरा नहीं खोदना है। क्योंकि 1 इंच गुड़ाई इसलिए करते हैं क्योंकि अगर जड़ में जो जड़ें दिख रही है इसी में अगर खाद मिल जाए इनको बढ़िया से तो इसमें जल्दी जो है फल वगैरह बनने तैयार हो जाएंगे। अगर हम खाली ऊपर से अगर खाद डाल देते हैं तो उससे कोई फ़ायदा नहीं, उसमें टाइम लगेगा, पौधा जो है देर में न्यूट्रिशन लेगा तो देर में फल आएंगे। अगर आपको इसमें बढ़िया फल चाहिए तो इसके लिए गुड़ाई इसकी ज़रूरी है, और टाइम टाइम पर इसकी गुड़ाई करते रहिए, कम से कम 15-20 दिन में इसकी गुड़ाई ज़रूर करें हल्की हल्की, और इसमें 15 दिन में इस खाद को ज़रूर दें। देखिए अब मैं खाद बताऊंगा आपको कौन सी देनी है इसमें। दोस्तों इसकी मैं अभी जो है रिपोर्टिंग इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसमें देखिए इतनी फल लगे हैं, अगर इसकी रिपोर्टिंग करूँगा तो ये सब फल ख़राब हो जाएंगे। पौधा तो ग्रोथ कर लेगा लेकिन जो फल जो पहले के लगे हुए हैं ये ख़राब हो जाएंगे। इसकी रिपोर्टिंग जब ये फल का हम यूज कर लेंगे उसके बाद इसकी रिपोर्टिंग करूँगा। और जो खाद बनाने की जो मैं प्रक्रिया है वो मैं आपको बताता हूँ। अब ये देखिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए,
जो है गोबर की खाद, गोबर की खाद थोड़ी मात्रा में चाहिए जिससे कि इसकी ऊपर की जो लेयर है उसको ढक सकें हम। गोबर की खाद चाहिए। और ये देखिए, ये हैं केले के छिलके। केले के छिलके जो हैं इसमें सुखा दिए मैंने। सुखाने के बाद इसको भी इसमें खाद के रूप में यूज करेंगे। इसमें काफ़ी मात्रा में पोटेशियम होता है जिससे कि जो फल छोटे छोटे फूल लगे रहते हैं इस टाइप के, वो फल बनेंगे। पोटेशियम अगर इसमें दिया जाएगा तो इसलिए जो फूल है जल्दी खिलेंगे और इसमें फल जल्दी तैयार होगा। सबसे पहले इसमें क्या करना है, आपने ये केले के छिलके, ऐसे सूखे हुए केले के छिलके इसमें ऐसे डाल देंगे। केले के छिलके जो हैं पूरा ये हल्के हल्के डिकम्पोज होते रहेगा और जो पौधे की जड़ें हैं वो उससे पोषण मिलते रहेगा उनको, और इसमें पौधे में अच्छा विकास होगा। ये देखिए केले के छिलके मैंने इसमें पूरे बिछा दिए हैं। ये केले के छिलके डाल दिए। उसके बाद आप इसमें क्या करेंगे, ये भी मेन चीज़ है, देखिए ये है राख, लकड़ी की राख है, इसको डालेंगे। तो इसमें जो फंगस लगने का डर रहता है, हम केले के छिलके डाल रहे हैं इसमें पानी पड़ेगा, पानी रुका हुआ है तो इसमें फंगस लगने का डर रहता है, ये इसलिए लकड़ी की राख। देखिए ये भी इसमें से हल्का हल्का ऊपर से, बस थोड़ी मात्रा में, ज़्यादा नहीं। इसमें जो लकड़ी की राख है इसमें बहुत प्रकार के जो है न्यूट्रिशंस पौधों के लिए पाए जाते हैं जो इससे इसको मिल जाएंगे, इसलिए लकड़ी की राख भी आप यूज कर सकते हैं। चीज़ें दिखा रहा हूँ मैं आपको, घर में ही उपलब्ध हो जाएंगी। कोई चीज़ जैसे नीम खली है, नीम खली भी डालेंगे इसमें। नीम खली आपको बाज़ार से लानी पड़ेगी, बाकी आपकी गोबर की खाद वगैरह ये सब कहीं आपको कहीं भी मिल जाएगी। और ये देखिए इसमें जो चीज़ डाल रहा हूँ मैं, ये बहुत अच्छी पौष्टिक चीज़ है पौधों के लिए। ये अंडे के छिलके हैं इसमें, और चाय पत्ती घर की यूज करी हुई। चाय पत्ती जो है आप छान के, बिल्कुल चीनी नहीं होनी चाहिए उसमें, मीठा होगा तो इसमें चींटियाँ लग सकती हैं, इसलिए उसको छान के अच्छे से सुखा लें। और इसमें थोड़े से अंडे के छिलके मिलते हैं तो कैल्शियम के लिए वो भी डाल सकते हैं। अंडे के छिलके औपचारिक रूप से डाल सकते हैं, वैसे तो इसमें इसकी ज़रूरत नहीं भी है। मैं थे घर में तो मैंने इसको भी डाल दिया है। इस चाय पत्ती और अंडे के छिलके आप गोबर की खाद के संग करीब 1-2 मुट्ठी इसको मिला दीजिए। अब इसमें आपको इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। इस तरीके से पूरा मिक्स करके आप इसके चारों तरफ देखिए पूरा अच्छी सी लेयर बना देंगे। एक ये हर 15 दिन में देंगे तो पौधे को अच्छे पोषण मिलेगा। होने को तो अगर आप 1 महीने में भी देंगे तो फल तो आएंगे, लेकिन फल की मात्रा कम हो जाएगी। अगर आप इतने छोटे से पॉट में, कोई भी गमले में लगा रहे हैं तो इसमें पोषण ज़रूरी है। बाकी तो ज़मीन में तो पोषण मिल ही जाता है, पौधों को ले ही लेते हैं पोषण ज़मीन से। आप ये पूरी लेयर बना के इसको पूरा इस तरीके से ढक दीजिए पूरा। ये हमने दे दिया इसको, अब ये न्यूट्रिशन जो है जड़ें इसकी आराम से इसको ले लेंगी, और जो आगे के जो इसकी वृद्धि है वो होते रहेगी पौधे की, पौधे में विकास भी होगा। और ये देखिए मैंने जो लगाया था, ये करीब 2-3 साल हो रहे हैं इसको, हमने 2 बार इसमें फल भी ले लिए हैं। ये मैं नर्सरी से लाया था। आप नर्सरी से कोई भी पौधा लाते हैं तो ग्राफ्टेड पौधा लाइए, क्योंकि बीज से अगर पौधा लगा रहे हैं तो कम से कम 4 से 5 साल उसमें फल आने में लग जाएगा। और अगर आप ग्राफ्टेड पौधा लगा रहे हैं तो उसमें 1-1.5 साल के अंदर ही आप फल ले सकते हैं। तो आप इसको पूरा अच्छे से ढक दीजिए और इसमें पानी डाल दीजिए। आप पानी इतना डालना है कि जो है ऊपर की मिट्टी जो है गीली रहे, यानी कि पूरा हर समय गीला ही रह रहा है पानी से। आप 1 दिन पानी डालेंगे 2-3 दिन चल जाएगा। गर्मियों में थोड़ा सा पानी की मात्रा ज़्यादा करनी पड़ती है, हर दिन इसमें पानी देना पड़ता है क्योंकि सूखने का डर रहता है पौधे के, इसलिए पानी की मात्रा इसमें गर्मियों में ज़्यादा देनी पड़ती है। इस तरीके से इसमें पानी डाल के इसको आप धूप में रख दीजिए, पूरे दिन की धूप रखिए। देखिए मैंने पूरे दिन की धूप में रखा है, ये धूप रहती है यहाँ करीब 6 से 7 घंटे धूप रहती है जिससे कि इसमें फल अच्छा आए। पौधे का विकास तभी होता है जब उसको धूप भी मिले और पानी भी मिले और खाद भी मिले। तीनों मात्रा अगर संतुलित मिल रही है तो पौधे का विकास ज़रूर होगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइए। अगर अच्छी लगी है तो शेयर भी कर दीजिए आगे को, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।